वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, वेलकम टू मेड बाय मी। आज मैं आपको इस फ्रॉक, आपको कपड़ा नज़र आ रहा होगा, इसकी मदद से बहुत सिंपल सी फ्रॉक बनाने जा रही हूँ, जो रैप ड्रेस स्टाइल का है मगर थोड़ा सा उससे चेंज है। तो डबल रैप ड्रेस कहेंगे, वो पीछे भी होगा और आगे भी होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये हमारे पास कपड़ा है और हम उसके हिसाब से ही अपना सेटअप करेंगे। ये जो हमने नीचे जो इसका डिज़ाइन आया हुआ है, ये 1 मीटर 1.25 मीटर के करीब कपड़ा है ये जो है, देख लें आप। और इसको हम इसी स्टाइल से हम सेटिंग करेंगे। ये जो हमारा कपड़ा आया हुआ है, ये डिज़ाइन हम नीचे डालेंगे पूरा के पूरा, फ्रॉक के सिम लाइन या दामन कह लें आप, इसके नीचे। ठीक है, ये हम इस तरीके से इसको पूरा निकाल लेंगे। ये हम लेंगे, ऊपर हम लेंगे 9 इंच और नीचे हमारा आएगा 22 इंच। तो ये 22 इंच की हमारी फ्रॉक बनेगी। ठीक है, और अगर आपको इससे छोटी बड़ी फ्रॉक बनानी है तो आप उसी हिसाब से दामन लेकर और ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हमारा स्कर्ट आ गया नीचे का। ठीक है, ये हमने इसको हटाया एक तरफ और उसके बाद ये हमारा फ्रंट है, बैक है, सॉरी ऊपर की बॉडी है ये। इसको हम इस तरह लेंगे, ये देखें, ये हमारा पूरा, इसको बराबर करेंगे पहले हम इस तरीके से। ठीक है, इसको पहले मैं बराबर करूँगी। ठीक है, ये हमने इसका ऊपर का जो हिस्सा निकला है इसको हम इसी तरीके से लेंगे। ये दोनों तरफ से हम बराबर करके इसको सेट करेंगे। ये देखें, ये रहा हमारा, और ये हमने ऊपर लिया हुआ है 5 इंच, तो यहाँ पे भी हमारा पूरा 5 इंच आना चाहिए। ठीक है, ये देखें, पूरा हमारा 5 इंच है ये। अब इसको मैं कटिंग करके सीधा निकाल लूँगी। ये देखें कि हमारा इस तरह सेटअप हो गया ये। ठीक, और ये हम जो है इस तरीके से आमने सामने लेकर आएंगे, ये हमारा, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये हमारा, और ये जो है हम इसको नापेंगे। ये हमारा नीचे का जो है 14 इंच हो रहा है। ठीक है, ये देखें, इस तरह हमने इसको पहले सेट करा है। आप इसको, ये क्योंकि मेरी 22 इंच की फ्रॉक है तो मैं उस हिसाब से इसका वेस्ट लूँगी, मतलब बच्ची छोटी है या आप उससे बड़ा है तो आप इसको इसी तरह से सेट करिएगा और उसके बाद करने के बाद ये कमर अपने हिसाब से लीजिएगा। ये देखिए, ये मेरी आ रही है तकरीबन 14 इंच है, पूरी 14 इंच है। और अब हम इसको हम इसी तरीके से ही, मैंने कट का निशान लगा लिए दोनों तरफ ताकि मैं ऊपर नीचे ना हो ये। अब यहाँ हमने सेटअप करा इसको, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, और अब ये हमने लेना है यहाँ पर 9 इंच, तो उसी हिसाब से हम इसको सेटअप करेंगे ये। उसके बाद हमने यहाँ से 4 इंच लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ से हमें 5.5 इंच हमें शोल्डर ये लेना है इसका आर्म होल के लिए। और ये इस तरह हम निशान लगा के उसके बाद यहाँ से हम इसको नापेंगे। ये हमें 2.5 इंच रखना है। उसके साथ हम इसी तरह इसको निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा। अब ये देखें आप, इसको आप सेट करें। ये हमारा, ये हमने निशान लगाया हुआ है इस पर कट का निशान दोनों तरफ, इसको इसके ऊपर हम रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, ये इस तरह आएगा हमारा ये। और अब हम इसके ऊपर नीचे बेल लगा के और अपना फ्रॉक तैयार करेंगे। चलें अब स्टिच करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम जो है इसको ऊपर नीचे रख कर हम इसके शोल्डर सीएंगे दोनों तरफ के।
ठीक है, ये देखिए हमारे शोल्डर सिल गए हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी बेल लगाएंगे। पहले मैं पहली फ्रॉक में लगाऊंगी। यहाँ से इस तरीके से लगाना शुरू करूँगी। ये आपने देखा होगा मैंने 2 इंच के ऊपर इसको छोड़ दिया है। ठीक है, अब जो इस तरफ वाला हमारा इसके ऊपर आएगा वहाँ हम फिर नीचे से लगाएंगे और जब लास्ट में जाएंगे तो 2 इंच पे छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ये हो गई हमारा। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको यहाँ से सी देंगे। ये देखें आप, बस इतना सा। उसके बाद हम इसे रखेंगे। ठीक है, हम इसे रखेंगे यहाँ पर और ये हमारी ये है, ये निशान लगाया हुआ मैंने। ये देखें यहाँ से हमने इसको जो है इस तरह हम इसको रखेंगे एक के ऊपर एक, ये निशान लगाया हुआ हमारा। अब यहाँ से मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। दूसरा वाला भी बिल्कुल इसी तरह हम सेट करेंगे। ये देखें यहाँ पर, ये रहा हमारा साइड और ये हम इसमें पिन लगा देंगे अपनी। ये हमारा पूरा निकलेगा सीधा। ठीक है, ये एक साइड आप देखेंगे हमारा हो गया पूरा। अब जो है हम दूसरा साइड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हम सेट करेंगे। ये हमने इसको रखा यहाँ पर, ये देखें इस तरीके से ये, और उसके बाद यहाँ से हमने मशीन चलाई इस पर। ये देखें, ये इस तरह हमारी ये पीस रेडी हो गया दोनों तरफ से। ठीक है, ये देखें, ये रहा हमारा। ये देखें यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम नीचे बेल लगाएंगे, यहाँ फ्रंट में सिर्फ लगाएंगे। ये हो गई हमारी, यहाँ तक हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम ऐसे 3 बटन लगाएंगे खूबसूरती के लिए या कोई फूल लगाएंगे। अब हम अपने स्कर्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमें सिर्फ चुनौती देनी है और उसके साथ इसको एडजस्ट करना है।
ये देखें इस तरह हमने इसमें चुनर दे दी है पूरी, और इसके बाद ये हमें, ये देखें ये हमने कर लिया है इस तरह। और अब जो हमारा लास्ट काम है उसमें जो है इसमें इसको इससे अटैच करना है, इस तरीके से हमारा ये आएगा। ठीक है, ये अब हम इसको कर लेते हैं, फिर बाद में हम बैक साइड सेट करेंगे। ये हो गया ही हमारा। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये शादी देंगे, ये बैक साइड है हमारा, बैक साइड में शादी चुन्नट लगाकर हम इसे रेडी कर देंगे। ये देखिए, ये हमने फ्रंट आपको बना के दिखाया था, बैक भी मैंने इसी तरह सिर्फ चुन्नट लगा के उसके ऊपर से एक सिलाई लगाई है बिठाने के लिए उसे। और अब हम ये अपने इस आस्तीन के ऊपर जो है पाइपिंग लगाएंगे। ठीक है, ये पाइपिंग मैंने रेडी नहीं की हुई है, बस कटिंग करके रखी हुई है। इस तरह हम इसको सेट करेंगे और करने के बाद यहाँ लगाएंगे। ये देखें, ये हमारी एक साइड पे पाइपिंग लग गई है। अब हम यही पाइपिंग अपने दूसरे आस्तीन में भी लगाएंगे, दूसरे आर्म होल में, और उसके बाद फिर हम इसकी साइडें सीकर नीचे या तो बेल लगा के या सिंपल मोड़कर आपको दिखाएंगे। ये देखें, हमने इसकी दोनों साइडें सी दी हैं। ये आपको पाइपिंग लगा के मैंने पहले दिखा दिया था। ये इस तरह एक तरह से ये हमारी फ्रॉक तकरीबन रेडी हो चुकी है, बिल्कुल सिंपल सी और बहुत आसान स्टाइलिश सी। आप ये देखें, ये हो गई हमारी। ठीक है, अब जो है हमें सिर्फ अब इसका सिम लाइन जो है वो हमें दामन जो है हमें इसे मोड़ना है। ये इसको हम इस तरीके से लेंगे, ये देखें, और लेने के बाद हम इसमें कोई सी भी छोटी सी बेल लगा लेंगे ताकि ये खूबसूरत लगे हमारा। ये देखें, ये वाली बेल लगा लूँगी मैं, इससे पहले भी ये बेल यूज़ करती रही हूँ तो यही बेल मैं लगाऊँगी। ये देखें, ये इतनी भारी भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता, और हमारी जो अगर हम इसको खाली मोड़ेंगे तो इतनी खूबसूरती नहीं आएगी। ये देखें, हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। ये नीचे मैंने इस तरह इसमें बेल लगाई थी, तो ये देखें इसका ये नीचे का जो घेर का जो है सिम लाइन जो हमारी आखिर का दामन होता है ये खूबसूरत लग रहा है। और उसके अलावा जो है ये देखें, यहाँ मैं तीन बटन मैं लगाऊंगी। ये देखें, मैंने बटन आपको रख के दिखा रही हूँ, ये तीन बटन हम इस तरह लाइन से लगाएंगे और उसके बाद जो है हमारी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। आपको हमारी फ्रॉक पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much.